हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विद जॉब अलर्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे 24 फरवरी 2020 की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर क्विज के क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताजो आपको इसी तरह जीके एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो मिलते रहे। पहला क्वेश्चन है, अपैर ऑन व्हील्स भारत की किस वैधानिक संस्था की एक पहल है, उस संस्था का नाम बताना है। चार ऑप्शंस हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। सुबह एक संस्था है, ऑप्शन डी खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। अपैर ऑन व्हील्स इस भारत की है जो संस्था है वैधानिक एक जे इनकी पहल है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्यार का पौधा पेड़ों के रोपण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य का अभियान है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर बिहार का। तो वो राज्य है ऑप्शन डी बिहार। प्यार का पौधा पेड़ों के रोपण को बढ़ावा देने के लिए है जो इस राज्य का बिहार राज्य ने है जो अभियान स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्यार का पौधा। राजीव बंसल को किस भारतीय एयरलाइन के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट या फिर विस्तारा, उस एयरलाइन का नाम बताना है। सुबह एयरलाइन है ऑप्शन बी एयर इंडिया। राजीव बंसल को एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के जो रूप में है जो नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना का INS जमुना भारत के किस पड़ोसी देश में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए निर्धारित है, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर नेपाल देश में। सो देश है ऑप्शन ए श्रीलंका। श्रीलंका पड़ोसी देश में है जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए निर्धारित है भारतीय नौसेना का INS जमुना, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आएगा। हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राजीव कुमार को, अजय नारायण झा को, देवाशीष पांडा को या फिर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को, उनका नाम बताना है। सो वो व्यक्ति हैं ऑप्शन सी देवाशीष पांडा, जिन्हें भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को 2019 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है, मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, श्री जेस या फिर हरमनप्रीत सिंह को, उस प्लेयर का नाम बताना है उस भारतीय खिलाड़ी का। सुबह नाम है ऑप्शन ए मनप्रीत सिंह, भारतीय खिलाड़ी को है जो 2019 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है FIH ने, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने। ऋषि सनक हाल में किस देश के पहले भारतीय मूल के वित्त मंत्री बने हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के, यूनाइटेड किंगडम के, न्यूजीलैंड के या फिर जापान के, उस देश का नाम बताना है। सुबह नाम है ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम के है जो भारतीय मूल के वित्त मंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र के पंचोरी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस भारतीय शोध संसाधन के संस्थापक थे, ऊर्जा संसाधन, TERI, विज्ञान और पर्यावरण के लिए केंद्र,
अधोरकर अनुसंधान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, उस शोध संस्थान का नाम बताना है जिनके ये संस्थापक थे। वो संस्थान था ऑप्शन ए ऊर्जा संसाधन संस्थान, जिनके राजेंद्र पंचोरी संस्थापक थे, जिनका हाल ही में है जो निधन हो चुका है। 2020 तक कौन सा भारतीय दूर संचार ऑपरेटर एशिया में दूसरा सबसे मूल्यवान मोबाइल ऑपरेटर है? जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या फिर बीएसएनएल? वो ऑपरेटर है ऑप्शन बी भारतीय एयरटेल, जो 2020 तक भारतीय दूर संचार ऑपरेटर एशिया में दूसरा सबसे मूल्यवान मोबाइल ऑपरेटर है। लेथपुरा जहां पुलवामा हमले में मारे गए सीआरपीएफ जवानों के स्मारक का उद्घाटन किया गया था, वे किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? नई दिल्ली में, जम्मू एंड कश्मीर में, पंजाब में या फिर उत्तराखंड में? सुजे स्थित है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर में, जी स्थित है जहां पर है जो स्मारक का उद्घाटन किया गया है, जो सीआरपीएफ के जवान थे लेथपुरा जहां पुलवामा हमले में है जो शहीद हुए थे। सो गाइस, ये आज की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट और आगे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।